हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। और 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है हमारी 4.2 यहां पर चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर हमने आप 4 कंप्लीट कर लिए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, उसको पहले हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसमें आगे क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या होगी। ठीक है, तो भाई इसका नाम रख दो आप कुछ भी, ए बी सी। अब उसने कहा कि जो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना उसके आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अभी अगर आधार हमें पता लग जाए तो हम आसानी से क्या निकालेंगे, उसकी ऊंचाई निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि जो उसकी ऊंचाई है ना वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब हम आधार क्या करना है, फाइंड करना है पहले, है ना। अगर हमें आधार पता लग जाए तो उसकी ऊंचाई हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका आधार ही मानते हैं क्या, एक्स। यानी भाई क्वेश्चन क्या है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसी सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज हमें क्या निकालनी पड़ रही है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी जो भी निकालना हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं क्या, एक्स। तो माना आधार है ना, माना संपूर्ण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, जो उसका आधार है हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब इतनी बात करने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अभी इसका आधार कितना है, x, तो उसके उसके उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम। यदि उसका कर्ण कितना हो, 13 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो उसकी क्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, या उसकी दोनों क्या कारण, दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे, तो देखो हमारा समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, एक्स है, तो ऊंचाई, तो ऊंचाई, तब उसकी ऊंचाई क्या होगी, तब उसकी ऊंचाई होगी भाई x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण में गिवन है ही, कर्ण कर्ण कितना है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब भाई समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें कोई भी एक साइड निकालनी होती है, ठीक है, तो हमें क्या, दो साइड हमें दे के रखते हैं, तो तीसरी साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे y, हिंदी में लिखते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज का नाम भी लिख दो, शायद त्रिभुज ऐसे लिख दो आप, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ए बी सी में, यार त्रिभुज का सिंबल ही बना सकते वैसे, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है फ्रेंड, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं, हमारे पास जो कण का जो स्क्वायर होता है उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब दोनों भुजा क्या, आधार और लंब, तो क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो उनकी वैल्यू है उन्हें क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो ए सी की वैल्यू कितनी है, 13, तो 13 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है, x, तो वही x का स्क्वायर, बी सी कितना है भाई, x माइनस 7, तो वही x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 13 का स्क्वायर कितना, 169, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब ये कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस कितना है,
कोई भी नंबर है और उनका क्या होल स्क्वायर, उनके बीच में जो ऑपरेशन है तो प्लस हो या माइनस हो और उसका क्या हो होल स्क्वायर हो, तो आप क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कोई भी नंबर आ सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से सोल्व कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है एक्स है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना है सेवन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है तो वही माइनस अप्लाई करेंगे ना, तो एक्स सेवन ये कितना आ जाएगा 169 है, दैट इज एक्स स्क्वायर कितना हो गया जोड़ के 2x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 7 दूनी 14 और इनटू x, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें करना यह है इसको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है चेंज करना है, क्या करना है स्टूडेंट चेंज करना है। अब कैसे चेंज करते हैं देखो, इसे ना 169 को क्या ले जाते हैं उधर ले जाते हैं, इधर क्या हो गया जीरो, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो बराबर टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, 49 एज इट इज माइनस के 14x और ये कितना है माइनस 169, क्योंकि देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस का होता तो हम इसे इधर लेके आते, ठीक है, पर ये क्या है पहले से प्लस है तो हम इसे उधर ले गया ना, तो इधर बचा जीरो, तो जीरो बराबर कितना हो गया भाई टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से कर लो एक लाइन बच जाएंगे हमारी, कितना है 2x स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस और ये माइनस, देखो पहले मैं एक्सेलरेटर से पहले x स्क्वायर कितनी है भाई 14x, ये प्लस और ये माइनस, तो 169 में से 49 है तो कितना बचा भाई 120, और जो ये जीरो है चाहे भाई इधर लिख लो चाहे आप इसे इधर लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करते हैं 2 को लेते हैं, 2 को लेने का मतलब है इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना, तो दो ही कम दो तो एक्स स्क्वायर बच गया भाई 2 × 7 = 14 और ये 2 × 6 = 12 जीरो, इसको कितना हो गया जीरो और ये इसके फॉर्म में चला जाएगा जीरो, तो -7x - 6 इसको कितना हो गया जीरो। स्टूडेंट अब क्या करना है हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो बताए कितना आ जाए 7, ठीक है, तो भाई 60 के फैक्टर देख लो आप, 2 से काट दो कितना आ गया भाई 30 हो गया, फिर है ना 30 से कट करो कितना आ गया 15 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करो और कितना फिर 5 से, अब घटा के कितना आना चाहिए 7, तो क्या कर लो 6 × 6 = 12 12 × 5 = 60, तो देखो मल्टीप्लाई करके 60 आ गया और घटा कितना आ गया भाई घटा के कितना आ गया 7, तो ठीक है, तो भाई 12 - 5 × x - 60 = कितना हो गया जीरो, देखो घटा के 7 आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करके भी 60 आ रहे हैं, तो क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होने चेंज होने, ये आपको अच्छे से बता रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देख लेना, इसमें देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में की तो माइनस और एक्स की मल्टीप्लाई 12 में की तो 12x, माइनस गुणा मल्टीप्लाई माइनस में की तो कितना हो गया प्लस और ये हो गया 5x और -60 = कितना जीरो। अब इसमें से क्या कॉमन ले भाई हम एक्स, यहाँ पे कितना बचा एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन आया तो कितना बचा माइनस के 12, ठीक फ्रेंड। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी मुझे x बचाना है, x में किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है 5 की, तो यहाँ से 5 को मान ले लो और ना पीछे लिख दो बस, है ना, जो भी है बाकी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, फिर 5 × x में करिए 5x, 5 की मल्टीप्लाई 12 में की 12 × 5 = 60, है ना, ये माइनस है माइनस ये प्लस है तो प्लस, तो x - 12 यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन हमने यहाँ पे ले लिया, ये बचा हमारे पास x और ये बचा यहाँ पे प्लस का 5 = कितना जीरो। एक बार आप इसे क्या करो इसके इक्वल जीरो रखो, एक बार इसके बराबर जीरो रखो, तो एक्स स्क्वायर टू कितना आ गया 12 और एक्स स्क्वायर टू कितना आ गया भाई -5। अब एक्स के हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है, अब डिसाइड ये करना है कि इन दोनों में से वैल्यू हम कौन सी ले, प्लस के लिए या माइनस के लिए। अब आपको एक बात तो पता होगी कभी भी अगर लंबाई हो वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, है ना, जैसे अगर नेगेटिव होगी तो ट्राइंगल क्या करते हैं, है ना, पॉसिबल है ही नहीं भाई, तो क्या करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे 12, तो लिखेंगे हम आधार, अतः है ना देख रहा है ना भाई सबको, हाँ सही है, अतः त्रिभुज का आधार, आधार कितना हो गया भाई x बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसकी लंबाई है ना, तो लंबाई क्या है लिखेंगे तब लंबाई, लंबाई कितनी है x माइनस सेवन, है ना, कितनी है भाई x माइनस सेवन, x माइनस सेवन बराबर
सेंटीमीटर तो यहाँ पे है ना, तो एक्स की वैल्यू 12 पुट कर दो और ये -7 तो कितना बच गया भाई, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण हमारे पास था ही, तो क्या करेंगे हम, अतः आधार, अतः त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज का जो, त्रिभुज की जो चाहिए वो कितनी है 5 मीटर। ठीक है, तो दोनों भुजाएं यानी कि दोनों जो साइड है उन्हें क्या कर लिया, आसानी से फाइंड कर लिए। तो उम्मीद है कि अब यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी के साथ